नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूँ अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत में रहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान को लेकर आपत्ति जताई। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि शेख हसीना द्वारा भारत से राजनीतिक टिप्पणी करना एक अमित्र भाव है। जब तक ढाका द्वारा उनके प्रत्यर्पण नहीं हो जाता, तब तक दोनों देशों को असुविधा से बचाने के लिए उन्हें चुप रहना चाहिए। यूनुस ने आगे कहा कि नई दिल्ली को इस कथन को त्यागना चाहिए, केवल शेख हसीना के नेतृत्व में ही बांग्लादेश सुरक्षित हाथों में है। रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाने के लिए भारत की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। जहां पिछले कुछ महीने में पीएम मोदी रूस और यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं, वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगाने के लिए भारत मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि चीन, भारत और ब्राजील यूक्रेन पर संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया को अवमानना का नोटिस जारी किया है। समाचार एजेंसी ANI ने विकिपीडिया पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दरअसल विकिपीडिया ने अपने पेज पर ANI को वर्तमान सरकार के लिए प्रचार उपकरण के रूप में दर्शाया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि यदि विकिपीडिया को भारत पसंद नहीं है तो कृपया भारत में काम न करें। हम सरकार से कहेंगे कि विकिपीडिया को भारत में ब्लॉक कर दिया जाए। ऋषिकेश में एक यूट्यूबर की पिटाई कर दी गई, जिसके बाद उसे एम्स में भर्ती कराया गया। वही घटना को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि माफिया के चंगुल में उत्तराखंड का कानून फंसा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने CBI की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की तरफ से दिन भर दलीलें पेश की गई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। नेटफ्लिक्स सीरीज द कंधार हाईजेक को लेकर IC 814 के केबिन क्रू के प्रमुख अनिल शर्मा ने भी अपनी आपबीती सुनाई। अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया कि आतंकियों के कोडनेम शुरू से यही थे, फिल्मकारों ने यह नाम अपनी तरफ से नहीं दिए हैं। उन्होंने हैरानी जताई कि सीरीज में उनका नाम और उनके दो पायलट, इंजीनियरों और दो एयर होस्टेस के नाम भी बदल दिए गए। तेलंगाना में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर हो गए हैं, जहां 2 जवान भी इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सिक्किम में हुआ बड़ा सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरा सेना का वाहन, 4 जवानों की गई जान। बुलडोजर एक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच चल रहे वार पलटवार के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने दोनों को ही इस पर राजनीति न करने की सलाह दी। मायावती ने एक्स पर लिखा कि इस समय सरकार व सपा को बुलडोजर की राजनीति करने के बजाय इन्हें अब यह मामला कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जहां से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। साथ ही उन्होंने भेड़िए के हमले को रोकने के लिए प्रदेश सरकार से जरूरी कदम उठाने को भी कहा। बिहार के DGP आलोक राज ने महिलाओं की यात्रा सुरक्षा के लिए सुरक्षित सफर सुविधा शुरू की है, जिसके तहत महिलाएं डायल 112 पर कॉल कर इस निशुल्क 24 घंटे की सेवा का लाभ उठा सकती हैं। अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने हथियारों के साथ गैंगस्टर गोल्डी बराड के साथियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों की मदद से गैंगस्टर गोल्डी बराड शहर के कुछ लोगों को डरा धमका कर उनसे धन उगाही का काम कर रहा था। हरियाणा में टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में भगदड़ मच गई है, जहां भाजपा ने कल प्रदेश के 67 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। इसके बाद जिन नेताओं को टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने बगावत शुरू कर दी और अब तक कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। टीचर्स डे पर उत्तराखंड के 19 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोगुनी की शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि। बोकारो के दुगदा बस्ती में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक BSNL की टावर पर चढ़कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने लगा। लोगों के आश्वासन के बाद भी वह टावर से उतरने को तैयार नहीं हो रहा था, वह लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा करता जा रहा था। भोपाल के स्टेट म्यूजियम में एक शख्स ने फिल्मी अंदाज में चोरी करने की कोशिश की। इस कोशिश में वह सफल भी हो गया। दिक्कत यह रही कि वह चोरी करने की नियत से संग्रहालय के अंदर तो चला गया, लेकिन बाहर निकलना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। चोरी करने
में सफल रहने के बाद वह सभी के जाने का इंतजार करता रहा और जब रात हो गई तो पूरा संग्रहालय खाली होने के बाद वह बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ। लेकिन भागने के दौरान उसके सामने सबसे बड़ी समस्या वहां मौजूद 25 फीट की दीवार थी जिसे उसने फांदने का निश्चय किया। इतनी हाइट वाली दीवार को फांदने की कोशिश में वह गिर गया और बेहोश हो गया। जब सुबह संग्रहालय खुला तो सुरक्षा कर्मियों ने इस शख्स को घायल अवस्था में बेहोश पड़ा देखा, तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। बता दे कि ये चोर 25 करोड़ से अधिक के कीमती सामान को लेकर संग्रहालय से भागने की कोशिश कर रहा था। शिमला के संजोली क्षेत्र में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर न केवल स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया बल्कि कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच भी तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया जिससे सियासी तापमान और बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए पीपुल्स कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, आर्टिकल 370 की बहाली और पुनः राज पर दिया जोर। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता बिल पास हो गया है। नए कानून के तहत अब केस में 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने पर या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में मूर्तिकार जगदीप आप्टे को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी कल्याण से की गई। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए 7 टीमें गठित की थी। हालांकि जयदीप आप्टे की गिरफ्तारी के पीछे उसकी पत्नी का हाथ बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जगदीप आप्टे को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया जब वह अपने परिवार से मिलने के लिए घर पहुंचा था। आप्टे ने पत्नी को यह जानकारी दी थी कि वह घर वापिस आ रहा है। इसके बाद पत्नी ने यह जानकारी पुलिस को दे दी। गुजरात के करीब अरब सागर में भारतीय तटरक्षक दल का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में लापता हुए कमांडेंट बिपिन बाबू और NVK करण सिंह के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं तीसरे जवान की तलाश जारी है। राजस्थान में मानसून के लगातार सक्रिय रहने और बैक टू बैक सिस्टम बनने के कारण मरुधरा में झमाझम बारिश हो रही है। अभी एक सर्कुलेशन सिस्टम का असर खत्म नहीं हुआ है और आज फिर से एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसके कारण अगले 4-5 दिन प्रदेश में भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। साबुत अनाज जैसे किनुआ, जो और ओट्स प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। इनमें फाइबर और अन्य पोषक तत्व भी भरपूर रूप से होते हैं। इन्हें दलिया के रूप में सेवन करने से प्रोटीन की कमी दूर होती है। इंडियन नेवी ने SSC ऑफिसर पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। उम्मीदवार 14 से 29 सितंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर तय तिथियों में फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।